उमर साहब फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस ओवरऑल रिएक्शन अबाउट योर हार्ड वर्क होल एंटायर एक्टिविटी सबसे पहले तो मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूंगा कि आखिरकार 2018 के बाद जम्मू कश्मीर में एक जमहूरी निजाम कायम हो भाई। मैं उन तमाम वोटरों का शुक्रिया करना चाहता हूँ जिन्होंने इन तीन फेजों में बारह अपने वोट का इस्तेमाल किया। में क्या बरा बुक कर मैं बिलखसूस उन वोटरों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और अलायंस के उम्मीदवारों को कामयाब किया है। इस मैंडेट से एक बात तो बिल्कुल तय है कि आम तौर पे लोगों ने बीजेपी की जम्मू कश्मीर को जो सियासत रही है उसके खिलाफ वोट किया। बीजेपी ने जो पुरानी तंजीमों को जिसमें खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सियासी निशाना बनाने की कोशिश की, हमें कमजोर करने की कोशिश की, हमारे मुतबादल यहाँ पे तंजीमें खड़ी करने की कोशिश की। आज उनका आम तौर पे देखा जाए तो नामो निशान जो है वो इस इलेक्शन में मिट गया है, लेकिन बड़ी बात ये है कि कश्मीर, जम्मू के पहाड़ी इलाके, यहाँ वोटों का बंटवारा नहीं हुआ, वोट तकसीम नहीं हुए। मुझे लगता है लोगों ने बहुत समझदारी से अपने वोट का इस्तेमाल किया। अब हम जो अलायंस के लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन 5 सालों में लोगों को एक साफ सुथरा और एक ऐसी हुकूमत दे जो लोगों की उम्मीदों पे बराबर उतर आए। उमर साहब, आपको लगता है लोगों ने वाकई सिचुएशन को समझा था, सोच समझ कर ये वोट दिए गए थे? फिलहाल जो नतीजे सामने आए हैं, और मैं माफी चाहता हूँ, 1-2 घंटे से तो मैं गाड़ी में ही घूम रहा था तो लेटेस्ट पोजीशन मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि हमें शायद उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली हैं। अगर इस इलेक्शन से पहले आपने मुझे कहा होता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये पोजीशन होनी है तो मैं शायद उस चीज़ को मानता नहीं, खासकर पार्लियामेंट इलेक्शन में जो हमारा हाल हुआ। मैंने बीच में कुछ आप में से मीडिया वालों को ये भी कहा था, मैंने कहा था कि शायद हम गलती कर रहे हैं, जहां हमें रशीद का बारामूला में वेव पार्लियामेंट इलेक्शन में नज़र नहीं आया, इस बार हमने बढ़ चढ़ा के उसका वेव देखा जहां वेव था ही नहीं। और बहुत सी ऐसी पार्टियां जिनको शायद ये लगा था कि मरकज की मदद से वो कुछ हासिल कर सकेंगे, नहीं कर सके। मैं ये भी मानता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुछ ऐसे लोगों से वोट मिले होंगे जो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को कभी भी वोट देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और बीजेपी की साजिशों को रोकने के लिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक मौका देने के लिए तैयार थे। अब हमारी, जैसे मैंने कहा, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस वोट को ज़ाया ना होने दें
हम लोगों के उम्मीदों के बराबर जो है उतर आए और अपना काम करें। As grateful as I am for this vote of confidence reposed in me by the National Conference President, this is a decision for the Legislative Party of the National Conference. It is a decision to be taken by the allies together. The National Conference Legislative Party has not met. Let the National Conference Legislative Party meet. I am not staking a claim to the Chief Ministership of Jammu and Kashmir. It is for the alliance, for the elected members to decide who they feel should lead the state over the course of the next 5 years, and that is as far as I'm willing to go. Umar sahab, what do you have to say to the voters? Umar sahab, filhal kal hame thoda sa is jeet ka maza lene dijiye. Mere saathi jo dur daraz ilaqon mein jeete hain wo bhi thoda sa ek rahat ka saans le. Mujhe lagta hai ek aaj do din mein हमें अपनी लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग बुलानी होगी, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर चुना जाएगा, फिर अलायंस के साथ बैठ के हम तय करेंगे कि अलायंस को हेड कौन करेगा। उसके बाद जब हमें तमाम लेटर्स ऑफ सपोर्ट हासिल होंगे तो अलायंस की तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से वक्त लिया जाएगा और हुकूमत बनाने का दावा किया जाएगा वहाँ पर, और फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक हैं के वो अगला कदम क्या लेंगे। सर, व्हाट डू यू हैव टू से टू द वोटर्स? व्हाट डू यू हैव टू से टू द वोटर्स? आर यू सैटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ कांग्रेस? दे हैव गॉट 6 सीट्स। तब बोलता हूं, सुनिए पकड़ने, सुनिए 11।